जय हिंद बालक एवं बालिकाएं, है ना, बिहार वासियों और बाहर के भी लोग, है ना। तो आज थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैं मैथ्स टीचर हूं और 9-10 सालों से लगभग मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं सब जगह, है ना, अलग अलग स्टेट में, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, है ना, सब जगह। तो मैथ्स का सेट तो करवा ही रहे हैं ना, जैसा आपका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। एडिटोरिया का जो फुल सेट है जो आपको थंबनेल में दिखेगा, है ना, जीएस सेक्शन भी करवा रहे हैं, क्योंकि ऑन डिमांड विद्यार्थियों का कहना था कि सर जब सेट ही करवाना है तो ऐसा थोड़ी कि आप नहीं करवा सकते हैं। और पहले भी मैं दरोगा का मेंस दे दिया हूँ बहुत, और दिया नहीं हूँ, रनिंग में छटा था ना, तो मुझे पूरा अनुभव है। और आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे और आप लोग को कुछ ना कुछ रिविजन का मौका मिलेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है एडिटोरिया वालों ने क्या दिया, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। तो ये बड़ा सा आसान क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए राज्यपाल। क्या होना चाहिए, पेन ले लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। ऐसे भी राज्यपाल जो होता है राज्य ही में होता है ना, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, उपराज्यपाल होता है। तो राज्य का राज्यपाल ही होगा, राज्यपाल भी लिख देता है तो चलता ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा, देखिए ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, ये सब जो भी विवाद वगैरह इतना बड़े बड़े लोग का है उस समय, ये सब थोड़ी करवाएगा जी, भारत का चुनाव आयोग, ये सब भारत का लोकसभा अध्यक्ष, ये सब कहाँ से औकात है, इतना बड़ा आदमी का ये सब निपटारा करवा सकता है, नहीं। तो कौन करवाएगा बताइए आप लोग। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत में, ये सबसे बड़ी बॉडी है ना, और सर्वोच्च न्यायालय ही करवा सकता है, ये सब की औकात नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, है ना, कुछ स्लाइड भी करना पड़ेगा ऊपर शायद, है ना, कोई नहीं, है ना, देख लेते हैं, ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा आई थिंक, है ना। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, मतलब भारत में कि जो भी संविधान है उसमें वेलफेयर स्टेट के बारे में बोला गया, थोड़ा इंग्लिश भी बता देते हैं, तो वेलफेयर स्टेट का जो भी प्रिंसिपल वगैरह है वो कौन से अनुसूची, एक दिया गया है, एक प्रस्तावना दिया गया है, एक मूल अधिकार दिया गया है, और चौथा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे, है ना, ठीक। तो ये है आपके पास, कहाँ से है आप अपना दिमाग लगाएं, बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कम पढ़ने वाला बालक है, जो पढ़ने वाला बालक होगा वो खटाक सुर मार देगा, तो कम पढ़ने वालों को दिक्कत है, बाकी ज़्यादा पढ़ने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाना चाहिए, है ना, ये ना इसी में तो है ही जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी में ही है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, 36 से 51 तक है आर्टिकल, है ना, और ये शायद आयरलैंड से लिया गया होगा, देखिए गलत भी हो जाएगा तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, है ना, लेकिन गलत नहीं होने देंगे, है ना, चिंता नहीं करना। अब चौथा क्वेश्चन आते हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, दो बात लिखा गया है, मताधिकार और दूसरा क्या है, निर्वाचित होने का अधिकार, मतलब इलेक्टेड और मत का अधिकार, दो चीज़ है, चार नंबर का, और चार ऑप्शन है, विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, है ना, मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो ये कौन देता है आप बोल सकते हैं यहाँ से, है ना, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना, विधिक अधिकार, लीगल राइट, इलीगल उगल इसमें बहुत छोटा मोटा चीज़ है ना, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ की बात और हो रहा है इसमें, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो ठीक है, लेकिन ये सब जो है ये सब संविधान का ही पार्ट है, एक मिला जुला के अगर देखा जाए तो संविधान से ही सब आता है, ये संवैधानिक अधिकार है मेरा, क्या है, संवैधानिक अधिकार, इस तरीके से आपको सोचना होगा थोड़ा, है ना, सोचना क्या होगा, पढ़े होंगे तो बनाएंगे, या नहीं तो ऐसे ही मारोगे जय सियाराम और क्या। तो और चलते हैं आगे, है ना, पांचवा नंबर, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सिविल सेवा वही सब यूपीएससी ये सब का बात कर रहा है ना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, कौन होता है। देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे ही है ना कि जिसको तुम ऐसे ही भगा सकते हो, कैबिनेट सचिव का क्या रोल है, कोई रोल है जी, कैबिनेट सचिव है, ऑप्शन भी देता है, कोई दिमाग नहीं लगाता, अरे इसके बदले अटॉर्नी जनरल देता, हो सकता है लड़का कोई कंफ्यूज होकर मार देगा, गरीब टाइप के लड़का, अटॉर्नी जनरल बहुत बड़ा बात बोल दिया,
ये सब कैबिनेट सचिव देता है जो है। हाँ तो आंसर आपका कौन सा होगा, यही होगा, कौन सा होगा, यही होगा, कौन सा होगा, यही होगा। कहाँ से गया जी, और पेन कहाँ गया, यही होगा। तो कौन होगा, कैबिनेट सचिव ही जो है ना बालक आपका क्या करता है, इसको इधर सेट कर देते हैं। कैबिनेट सचिव ही है जो अध्यक्ष होता है, भावना में नहीं बहना है, ठीक है। कैबिनेट सचिव पांचवा क्या होगा, कैबिनेट सचिव, ठीक। प्रधानमंत्री वगैरह ये सब को कोई मतलब नहीं है सिविल सेवा से, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं छठा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। अब चार स्टेटमेंट लिखा है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो, है ना, ठीक है। लोकसभा की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई से पारित प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। तो जो लड़का पढ़ा है, है ना, वो इस सब में कन्फ्यूजन नहीं करेगा, नहीं तो सोचेगा दो तिहाई वाला मारेंगे कि सिंपल से होगा कि इससे होगा, है ना। ये जो पढ़ा होगा बढ़िया से लड़का, वो उसको कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है ना, बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है ना। बाकी ये सब बहुत बड़ा बड़ा बात हो गया, दो तिहाई वगैरह, है ना, ये सब गवर्नमेंट वगैरह गिराने की बात होगी तब होगा। क्या सर गलत बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट वगैरह ये सब नहीं, डी होगा जी, है ना, ठीक। अब अगर बात करें, है ना, सात 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 यहाँ से स्टार्ट होगा ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, सात नंबर, है ना। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि वह एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, व्यस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है, कोई वंशानुगत शासक नहीं है, है ना। तो गणतंत्रात्मक अगर आप पढ़ेंगे, है ना, तो डीपली गणतंत्र का मतलब क्या होता है उसके द्वारा इसका आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। और संविधान गणतंत्रात्मक है इसके लिए, जिसको रिपब्लिक इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में बोलना बहुत टफ काम है ना। तो रिपब्लिक होने का मतलब है कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, फेमस डायलॉग है, है ना। उसी के आधार पर इसका जो आंसर होना चाहिए, है ना, इसका जो आंसर होना चाहिए बालक एवं बालिकाएं, बड़ा मस्त है क्वेश्चन, है ना। पेन नहीं आ रहा है जी, हाँ आएगा, हाँ। तो ये हम कह रहे हैं कि रिपब्लिक का मतलब ही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि कोई वंशानुगत शासक नहीं है, तो रिपब्लिक है, आम भाषा में आप यही समझिए, है ना। और ये घड़ियाल को इधर हटाते हैं। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, देखिए ऑप्शन है, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण साय, सब बिहारी है इसमें, है ना, क्योंकि बिहार ही में है ना चंपारण, हाँ। तो आप आंसर देंगे, है ना। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद को इतना फुर्सत नहीं था, है ना, कि गांधी जी को बुलाने जाए, है ना। जयप्रकाश नारायण उतने खतरनाक आदमी है, ये साधारण आदमी दो है, अगर जो नहीं पढ़ने वाला ऐसा ही सोचता, दो साधारण आदमी है यही सब, क्योंकि उसमें गांधी जी की उतनी कोई मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा आदमी हो गए थे, है ना। पहला सत्याग्रह चंपारण था, तो साधारण आदमी थे, तो साधारण आदमी को साधारण आदमी बुलाने जाएगा, राजकुमार राज, क्लियर है ना, हाँ। अब नौवां क्वेश्चन चलते हैं, और नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, रामानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सचिंद्रनाथ सन्याल और सच्चिदानंद सिन्हा, ये चारों बिहारी का नाम है, है ना। इसमें कागो बिहारी नहीं भी है क्या, हो सकता नहीं भी है, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताएंगे आप लोग, तो हमें लग रहा है कि रामानंद सिन्हा होगा, क्या होगा, रामानंद सिन्हा, हमें क्या लग रहा है, यही है एडिटोरिया के सेट में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रामानंद सिन्हा। अब अगर बात करें दसवां क्वेश्चन, तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है ना, रामसर वेटलैंड आप लोग सुने होंगे, पढ़ते होंगे, रामसर वेटलैंड, है ना, कैमूर रेंज, खड़गपुर रेंज, है ना, कावर झील, बरेला झील, हाँ, ये चार ऑप्शन है। तो इसका उत्तर आप बहुत बढ़िया से दे सकते हैं, ये आप जाएंगे कावर झील के साथ, सी में, सी में जाएंगे क्या, कावर झील के साथ। 11 की बात करने से पहले, है ना, ये ऊपर स्लाइड हमको करना पड़ेगा और ये कटिंग करना पड़ेगा, है ना। तो 11 नंबर इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल मैं ऊपर ही लेके चला जाता हूँ, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, ये सब रेलवे ग्रुप डी में भी आता है ना,
लेकिन न्यूटोरिया के सेट में दे दिया गया है विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू, है ना। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? मिस्र की सभ्यता है कि फारस की सभ्यता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता? अब बताइए नगर नियोजन कहाँ कहाँ से मिला है आप लोग को खुदाई वगैरह में जो भी है, है ना। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है ना। नदी वगैरह सब आप लोग पढ़े ही होंगे, तो ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करें, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, ये भी एक बिहारी आदमी था, है ना। आप इसका नाम देख सकते हैं, सब तो बिहारी ही है। तो देख लीजिए अंतिम दिनों में, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, है ना, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ही बोलते हैं ना नाम तो। और ये सरवन बेलागोला में गए थे, है ना, शायद लास्ट में, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सरवन बेलगोला, है ना, कर्नाटक में है, है ना, वहीं पे गए थे, अंतिम जीवन को वहीं पे काटे थे। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? मथुरा कला, मधुबनी कला, गंधार कला, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीक कला के नाम से जाना जाता है ना, सॉरी ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है, मतलब दोनों का मिश्रण होगा ऐसा है। तो इसका आंसर होगा गंधार कला। क्या होगा? गंधार कला। लोग रटते ही हैं, है ना, मेरा भी रटा हुआ है ना। चलिए आगे बात करते हैं और इसको कटिंग करना पड़ेगा और 14 नंबर की ओर चलते हैं ना। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये भाई साहब थे इल्तुतमिश। ये कौन से भाई थे? इल्तुतमिश भाई थे, है ना। ये गुलाम वंश का आदमी था, ये अमीर लोग को देखना नहीं चाहता था ना, ये अमीर लोग को देखना नहीं चाहता था। ठीक है, नहीं देखोगे तो क्या अमीर लोग नहीं रहेगा। हाँ, और अब आगे चलते हैं बालक। 15 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा खतरनाक आदमी था जी, इसको सब लोग जानते हैं। ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो भी बोला होगा बड़ा बेइज्जती किया होगा, है ना, जो भी कांग्रेस का सपोर्टर होगा उसको तो अच्छा नहीं लगेगा जी, लेकिन कोई बात नहीं, बोल के वो गुजर भी गया, कुछ नहीं कर पाओगे उसका, है ना। तो किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये थे लॉर्ड डफरिन थे। अब आएगा 17 नंबर की बारी। किसकी बारी आएगी? 17 नंबर, है ना। तो देखो 17 नंबर की अगर बारी है तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने किया था। किसने किया था? एमजी रानाडे डे रानाडे। 18 क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? मुद्रा प्रणाली था कि यदि शेष लगान था कि भू राजस्व था कि बंदरगाहों से आमदनी था? तो विजयनगर साम्राज्य सुने हैं कि बहुत विकसित था, है ना, जैसा पढ़ने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा विकसित था। यहाँ पर जो मेन आमदनी था वो भू राजस्व से था। क्या, किससे था? भू राजस्व। बहुत लोग भावना में बाहर के बंदरगाह वगैरह मारने लगे कि कुछ एग्जामिनर सोचा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, है ना, उस समय उतना बंदरगाह वगैरह नहीं था जी, है ना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 19 नंबर, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? मतलब मुगल बादशाह भी फतवा से अछूत नहीं थे, है ना, उनको भी लपेट लिया गया था। कौन सा मुगल बादशाह थे, है ना, तो उनका नाम बताएंगे आप लोग। तो ये थे महान अकबर, जो बोला जाता है द ग्रेट अकबर, है ना। अब है कि नहीं है ये सब डिबेट का विषय, है ना, लेकिन अकबर। नीचे दिए गए घटनाएं तथा उनके तिथि का मिलान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ना, तो मिलान करने से पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये है जी रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ये तीनों में अगर कोई आप जानते हैं तो चौथा भी दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए कितना एग्जामिनर नहीं, जो सेट बना है कितना दिमाग वाला है, है ना, कि सब 1919 की ही घटना दिया गया और सब में जी डेट मार्च अप्रैल और दिसंबर, है ना,
तो अगर एक अगर आप फेमस, तो अगर जैसे अगर आप रेलवे का भी कभी जीवन में तैयारी किए होंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो बताइए आप मिलाइए, है ना, तो मिलाइएगा। तो देखिए ये जो है डी का कन्फर्म है 13 अप्रैल होगा, 13 अप्रैल 1919 होगा। तो हम ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं बालक, ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं कि गुरुजी डी का तीसरा होगा कन्फर्म, डी का क्या होगा तीसरा होगा कन्फर्म। ये दो दो ऑप्शन है बाबू, दो दो ऑप्शन है। यहाँ पर भी एग्जामिनर ने आपको या सेट बना लो ने आपको फंसाया है ना कि आप ऐसे नहीं निकल सकते। दूसरा बात ये, अगर इन दोनों में अगर हम सर्च करें क्योंकि ये दोनों कट गया, तो इसमें देखिएगा पहला पहला भी मैच कर रहा है, पहला पहला भी क्या कर रहा है मैच कर रहा है। अब चौथा और दूसरा और इन दोनों में हम लोग को सोचने की बात है, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं बालक, है ना। अब अगर बात करें, हाँ, तो अगर सी का बात करें, है ना, तो सी में अगर आप देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो अधिवेशन था वो 2 दिसंबर को नहीं हुआ था, है ना। ये जो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था जी। तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि हम बोल सकते हैं सी का कौन सा होगा दूसरा होगा, सी का कौन सा होगा दूसरा होगा। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन। मतलब दो आप जानते भी हैं तब भी, दो इसमें जानते भी हैं उसके बावजूद भी आपका गड़बड़ होगा, है ना, अगर एग्जामिनर ने चाह लिया तो। आगे चलें, आप कन्फर्म कर लीजिएगा, दोबारा भी देख सकते हैं, ये सब जीएस है, याद करने वाला चीज़ है, ठीक। आगे चलते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताना जी। आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है जी, अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम होता है, क्या होता है घटते क्रम होता है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से ऊपर लेके जाऊं, हाँ, तो आरोही मतलब क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम। तो देखिए आप लोग अगर एनसीईआरटी कभी पढ़े होंगे, हम तो पढ़े थे 8वां 9वां में, है ना, तो एक चीज आता था बचपन में भूल, बचपन में क्या भूल, मतलब कि सबसे बड़ा है अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर लगाता है, तो बांग्लादेश से शुरुआत नहीं किया है, बांग्लादेश लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, बांग्लादेश एक लास्ट में इधर है, बांग्लादेश इधर है, है ना। बचपन, उसके पहले चाइना होना चाहिए, मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बड़ा से छोटा क्यों, तो उसके बाद क्या होना चाहिए चाइना। देखिए इन दोनों में चाइना, कितना एग्जामिनर हरामी है, अब ऐसे बोल सकते हैं ना, बचपन में भूल, है ना। तो सबसे बड़ा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, तो चाइना के बाद पाकिस्तान ये है, और फिर नेपाल। तो ये आपका एनसीईआरटी वालों ने काम कर दिया है ना, बचपन में भूल। तो 21 का बी होना चाहिए, हाँ है। तो निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, बताइए। बिहार का चारों जिला, मुंगेर ढाई ढाई वाला है ना, रोहतास, नवादा, ये तो मेरे बगल में है, जमुई भी बगल में है ना, तो बताइए 22 का कौन सा आंसर होगा। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, मतलब तीन एक जैसा होगा और एक नहीं होगा, तो इसका आप उत्तर बनाएंगे तो ये भाई साहब रोहतास है। ऐसे भी देखो कि ये तीनों जो जिला है ना वो लगभग बराबर ही, मतलब बराबर मतलब अगल बगल में ही है ना, ये रोहतास जो है सोन का पार करके है ना, तो सोन कर्मनाशा ये सब उधर बहुत दूर है ना, ये सब एक तरीके से मगध में पड़ता है, बात समझ रहे हैं। तो मगध वाला को एक जगह रखो और धारवाड़ वाला अलग हो गया, तो सिर्फ अलग ही तो देखना है, काम हो गया खत्म। तो आंसर कौन सा होगा, रोहतास होगा, है ना। हाँ, अब 23 नंबर आते हैं, 23 नंबर के लिए हम लोग को इधर चलना पड़ेगा, कहाँ चलना पड़ेगा इधर, तो इधर उधर होते रहेंगे हम लोग, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं, सबसे पहले आपको घबरा, याद भी हो रहा होगा आप लोग को, है ना, ऐसा नहीं है कि हम नीरस पढ़ाते हैं, जीएस मैथ पढ़ाएं या जीएस पढ़ाएं, दोनों मस्त हो गए। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा सही है, अटल टनल के बारे में। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है ना, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये तो सामरिक के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है तो ठीक है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुन पाइएगा क्या आप, हम तो कह रहे हैं ना जी
कि ये ठीक है, BRO बनवाया है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन करके कि हम पढ़े हैं, ये चीज़ ठीक है। यह मनाली डॉलर्स ये भी ठीक है ना, हिमालय पीर पंजाल ये भी ठीक है, भारत के सामरिक दृष्टि के लिए है ही है ना, उधर पाकिस्तान चाइना होना सब होगा है ना, एग्जैक्ट मैप तो नहीं जानते हैं, तो ठीक है, चारों ठीक है जी है ना, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं ये चारों ठीक है, और आप मिलाएंगे भी तो चारों ठीक ही होना चाहिए। तो पेन ले लेते हैं, पेन लेने से पहले इसको ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद इसमें टिक मारेंगे बालक है ना। तो ये 4 नंबर D आंसर है, क्या ये D सभी ठीक। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, सतपुड़ा और मैकाल, सतपुड़ा अरावली, सतपुड़ा विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली, क्या आप मान दीजिएगा। पूछा गया था आपसे है ना कि नर्मदा घाटी पूछा गया ना, हाँ तो बताइएगा 24 का, तो 24 का C हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और कौन सा विंध्याचल। 25 नंबर मिलान करना है, ये सब छोड़ो, मिलान बादम पहाड़, डल्ली राज जा रहा, कुंद्रमुख, नोआ मंडी है ना, तो मिलान कीजिए आप है ना, और इसको आगे बढ़ाते हैं, मिलान कीजिए, देखिए ऑप्शन को मिलाइए, 25 नंबर है, मिलाइए 25 नंबर को, देखिए जी बादम पहाड़ तो उड़ीसा में है, ये कन्फर्म है, बात मजाक नहीं कर रहे, बादम पहाड़ कहाँ है, उड़ीसा में, ये तो हमको पता था। तो अगर बालक ये उड़ीसा में है तो ए का दूसरा कौन सा है, ए का दूसरा सी में भी है और डी में भी है, बड़ा कन्फ्यूजन है, सी और डी दोनों में है, तो डायरेक्टली आंसर नहीं जा सकते, बहुत तेज है सेट बनाने वाला बालक, हल्के में उसको मत लीजिए है ना, जो भी बनाया है ना, तो सी का देखा जाए तो ए का दूसरा तो होगा ही है ना। अगर बात किया जाए डल्ली राज जरहा ठीक है, तो डल्ली राज जरहा जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़, तो बी का तीसरा, और यहाँ पर आंसर हो गया कन्फर्म, ऐसे सोच के बनाना होगा एग्जाम में है ना। अब आगे चलते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ में, केनिया, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, तो क्या आप बता सकते हैं क्या आंसर, तो ये है तंजानिया में किलिमंजारो, पढ़ते आए बच्चों किलिमंजारो, तंजानिया ऐसे याद करते होगा ना। अब हम लोग का 27 नंबर इधर से ही है ना, तो इसको कट करना पड़ेगा और 27 नंबर देखते हैं ना। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, बहुत बढ़िया है, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की डायरेक्शन पूछा, बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाइएगा। तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से आती है और उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। तो इसमें थोड़ा पेन चलाने में ही दिक्कत होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, तो डी आंसर है। तो 27 तक हो गया है, उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्या अब आगे हम चलते हैं, और आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर अब 28 लेते हैं ना, हाँ 28 नंबर, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हिंदुस्तान नहीं है इसमें, चिंता नहीं करें, ये तान वाला है ना, तान है बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान नहीं दिया है ना, देख रहा है लोग कि काश पाकिस्तान भी इसमें देता है ना। तो देखो जी बनाओ उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इसका राजधानी को दिया गया है मिलान करने के लिए है ना, तो क्या बता सकते हैं, देख लीजिए। तो देखो जी ये वाला जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान का, ये कन्फर्म इसलिए है बाबू कि अगर आप न्यूज वगैरह में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी कुछ बात होता है तो बोलता है कि ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में करने गए थे शास्त्री जी और प्यारा हो गए थे है ना, और यही सब तो बोलता है लोग कि उज्बेकिस्तान में उस समय ये ससुरार का पार्ट था, यही सब है ना। तो ए का पहला ठीक, और देखो ना ससुरार इतना तेज है बोलूं कि सब में वन वन दिया, सबको पता, मतलब हमको पता, मतलब सबको पता, कितना खराब है ना, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, ये भी सही है जी, बहुत सही, तो ये भी दिया है, देखो दो गो में दे दिया, अब बी का दो में दे दिया, कितना दम रीजनिंग सेट किया है इसमें, ठीक है बहुत बढ़िया। और किर्गिस्तान की राजधानी ई बिस्केक है, ये भी हमको पता है,
अब देखो इसमें भी दे दिया तो अब नहीं एग्जामिनर, तीन को अगर याद है ना बाबू तो अब नहीं हिला सकता कुछ। अच्छा डी से चलते ना, अगर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगर अशखाबाद कोई क्या है, पीछे से चलते ना तो एक ही में फाइनल कर लेते, ये भी एक तरीका था ना, क्योंकि आसान वाला आगे कर दिया था और हार्ड वाला पीछे कर दिया था। गजब रीजनिंग लगाया। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा, मतलब अवमूल्यन करेंगे है ना, जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था है ना, का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो देखिए, आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, ए और बी दोनों, क्या बता सकते हैं? तो जी अवमूल्यन का सबसे बड़ा जो संभावित होगा, निर्यात में वृद्धि होगा। किसमें होगा? निर्यात में वृद्धि होगा। 30 नंबर है ना, 30 नंबर चलते हैं और आगे चलते हैं बालक है ना। 30 नंबर ध्यान से देखिएगा, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, उसको बोलते हैं बैंक दर, प्रतिवर्ती रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, रेपो दर। तो रेपो को तो इसमें सब इसमें छोटा मोटा बैंक के लिए, तो आप आंसर दे सकते हैं क्या? तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर, सुविधा दे रहा है ना, रातों रात आप ले रहे हैं सुविधा, तो क्या हो जाएगा? सुविधा दर हो जाएगा है ना, तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर ही हो जाएगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सही है। हाँ सीमांत सही है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, आरबीआई कौन काम क्या क्या नहीं करता है ना, तो ये बताना है आपको आरबीआई क्या क्या काम नहीं करता। पेन नहीं सिलेक्ट हुआ क्या? एक मिनट, हाँ तो ये हो गया है ना, इसको ऊपर कीजिए, ठीक। तो ये हो गया, निम्नलिखित में कौन सा का आरबीआई से संबंधित है, ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, जनता का को पैसा उधार देना, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देना। और बाबू है ना, ऐसा मल्टीपल चॉइस वाला में भी मल्टीपल दे दिया, बड़ा डेंजरस कर दिया है ना। तो ऐसे में क्या आप करेंगे कि देखिए जी, ऋण नियंत्रण तो करता ही है, लोन को नियंत्रण वो बैंक के द्वारा करता ही है, ठीक है, मुद्रित नोट वही जारी करता है ना, और वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता ही है। अब जनता से इसका कोई मतलब नहीं है, आरबीआई जो है जनता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता जी है ना, नहीं तो सब पता चला सब आरबीआई में जाके अकाउंट खुलवा लेगा है ना, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। तो आंसर ये होगा है ना, तो केवल बी होगा। क्या होगा? केवल बी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं ना, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा फिर ऊपर करना पड़ेगा और यहाँ से कट करके और ऊपर चलेंगे। 32 नंबर है ना, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में था, किस पंचवर्षीय योजना में था? पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो बताइए है ना। आप लोग पंचवर्षीय योजना याद किए होंगे है ना, 51 से 56, 56 से 61 ऐसे करके है ना। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, कौन सा आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक? भाई साहब दूसरा तक कोई आत्मनिर्भर वगैरह का बात नहीं हुआ था, ये तीसरा में ही होगा। किसमें होगा ये? तीसरा में होगा। किसमें होगा ये? तीसरा। तो कौन सा हो जाएगा बाबू? ये वाला, तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ठीक है। अगला, ठीक है, इसको थोड़ा सा हाँ अब हटा दिए। हाँ कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया ना, कौन सा में थे? चलिए जी, कुछ कुछ तकनीकी खराबी हो जाता है कभी कभी है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होते रहती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन बताएंगे सब लोग, राष्ट्रीय आय लेखांकन ये होगा साइमन कुडजेन होगा। साइमन क्या हो जाएगा? कुडजेन हो जाएगा जी, कुजनेट्स हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, जो ना आए उसको सुंदर बोलते हैं वो टीचर है ना, तो हम भी वही कर रहे हैं, साइमन कुजनेट्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको बोलते हैं ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? ये कौन नहीं जानता, ये बच्चा बच्चा जानता है जी, मेरे घर में भी लोग जानते हैं, वाशिंगटन DC, मेरे गांव में भी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं वाशिंगटन DC। अब बात है 35 नंबर का, तो 35 नंबर का यहां से हम लोग शुरू करेंगे, 35 नंबर आ जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ
तो 35 नंबर है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय रेगुलेट कौन करता है, विनिमयन या रेगुलेट कौन करता है। कृषि उत्पाद अधिनियम 1935, खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, अनिवार्य वस्तु अधिनियम। तो बताएंगे सब लोग, तो देखिए जी 1935 वाला हम लोग देश आज़ाद हो गया तो क्यों रखेंगे हैं कृषि ऋषि में, ऐसे ही घुस आ जाएगा सब लोग, ये ख़त्म है ना। 1956 में ऐसा कोई बात हुआ नहीं, खाद्य पदार्थ ठीक अधिनियम है लेकिन अभी तक वो रेगुलेटर नहीं करेगा, है ना। बात हुआ कि सी और डी में है ना, तो सी और डी को थोड़ा सा आप सोचें और बात को आगे बढ़ाएं, है ना। तो जल्दी आंसर बताएंगे, डबल डिप मिल गया आपको। तो ये है आंसर आपका, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। बाजार समिति जो है बाबू, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, ठीक, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, बाजार समिति को आप दिमाग में सेट कर सकते हैं, अगर पटना में रहते हैं तो बाजार समिति, है ना, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किन देश को भेंट के रूप में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया। भारत भी उपहार दे रहा है आज, क्वेश्चन के माध्यम से पता चल रहा है बालक, तो क्या आप बता सकते हैं, तो किसको देगा ब्रॉड गेज, बांग्लादेश को। अभी भी ब्रॉड गेज ही चल रहा है वहाँ बहुत जगह, है ना, तो किसको दिया, बांग्लादेश, अपना पड़ोसी को, है ना। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, बताइए। तो बताइएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए कितना निर्धारित किया है, क्या आप बता सकते हैं, तो हम बोलेंगे यस 2183 रुपया, 2183 रुपया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38 का, किसका बारी है, क्वेश्चन नंबर 38, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब ऐसे ही आपको क्या बोल सकता है, कुपोषित नहीं रखेंगे, पोषण भी देंगे और पढ़ाएंगे भी, कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मंत्रालय का नाम बताना है, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय, ए और बी दोनों, क्या आप आंसर बता पाएंगे। तो केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पोषण और पढ़ाई दोनों की बात है तो किसी एक में यह नहीं जाएगा, है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा, 38 का सी, हमें गलत लग रहा है ये उत्तर, नहीं, केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ए और बी दोनों, है ना। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए बालक, बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं 39 या 39 नंबर जो भी है ना, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था। अब चंद्रयान 3 का वजन आपको बताना है जी, क्या बता पाएंगे, चंद्रयान 3 का वजन बताएंगे, तो ये हो जाएगा 39 13 के मल्टीपल में रहेगा, है ना, मैथमेटिक्स अगर जानते हो तो ये 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के मल्टीपल में रहेगा ना, 3700 3600 3400 कुछ नहीं होगा, 39 होगा जी। 40 नंबर देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था, बता पाएंगे पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो ये था प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान चाहिए हमें, क्योंकि इससे घुलट जाएंगे तो इलाज करवाने में पैसा बहुत खर्चा होगा, तो प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव से समाधान, ठीक, यही था समाधान की बात था, रोकने की बात नहीं था, समाधान कैसे होगा, ठीक। देखिए ऑप्शन में दिए हुए प्लास्टिक प्रदूषण को रोकें, है ना, कौन रोक पाएगा, कंपनी फैक्ट्री जो है बंद होगा ना, पर्यावरण एवं जीवन निशन कुछ नहीं था, ठीक। 41 नंबर की बात करते हैं बालक, और देखते हैं हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है, दुबराज चावल बताएंगे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम, ये 4 स्टेट है दुबराज चावल, है ना। देखो मिजोरम बेचारा चावल कितना उत्पादन करेगा, है ना, और हमें लग रहा है छत्तीसगढ़ ही है, धान का कटोरा बोला जाता था बचपन में पढ़ते थे, है ना, तो ये छत्तीसगढ़ ही होगा, क्या होगा, छत्तीसगढ़, हाँ, तो छत्तीसगढ़ उत्तर होगा आपका, ठीक है, हाँ। अरे दे दे। फिर दिक्कत हो गया, माफ़ करेंगे, है ना, ठीक है, आ गया। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या था, यहीं तक थे ना, ना 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 यहाँ तक, ठीक। अब 42,
निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है, मतलब सब सही दिया है और उसको नहीं वाला को आपको चुनना है, है ना। तो अब देखेंगे, देखो केरल आरिफ मोहम्मद खान बहुत चर्चा में रहते हैं, है ना, बहुत चर्चा में रहते हैं और देखा जाए तो बहुत बढ़िया आदमी है मिला जुला कर, है ना, ये भी सही है। और नागालैंड का ला गणेशन भी ठीक है, राजस्थान का कलराज मिश्र जी ठीक है, ये त्रिपुरा का गुरमीत सिंह ना होंगे ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 42 का सी होगा, 42 का क्या होगा, सी होगा। अब देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, है ना, ICC वर्ल्ड क्रिकेट दो कुल कितने टीमें भाग ले रही है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो क्रिकेट देखता होगा, जो नहीं देखता होगा उसके लिए बड़ा दिक्कत है। कितना टीम भाग लेगा जी, आप लोग उत्तर देंगे, जल्दी उत्तर देंगे आप लोग, तो 10 टीम भाग लेगा। कितना टीम भाग लेगा, भाग लिया है, लेगा नहीं, लिया है, भारत हारा है बड़ा बेइज्जती से, है ना, ठीक। अब आगे चलते हैं बालक और 44 नंबर से शुरू करते हैं। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता, है ना, महाधिवक्ता आपको तो पता ही होगा, है ना, एडवोकेट जनरल बोला जाता है राज्य में, है ना, और केंद्र में क्या बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल। दोनों जगह जनरल ही होगा लेकिन एक जगह एडवोकेट जनरल होगा इंग्लिश में, और एक जगह क्या होगा आपका, एडवोकेट जनरल होगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो अब बताएंगे बिहार का नया महाधिवक्ता कौन है, बताएंगे आप लोग। तो ये है पीके शाही, बड़ा फेमस पर्सनालिटी है पीके शाही जी, है ना, नाम सुने होंगे आप लोग। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है, बताएं। इसमें ऑप्शन देखें, पीटर हैंडके, एनी एनार्कस, जॉन फासे, बी और सी दोनों। तो क्या आप उत्तर बता पाएंगे, तो ये दिया गया है जॉन फासे को दिया गया, किसको दिया गया, जॉन फासे को दिया गया। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, देखो नागेवाजा, बाजा रे बाजा, बता पाएंगे आप, देख लेंगे, खो खो, गोल्फ, जूडो, शतरंज। तो देखिए बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो खो खो का एक भी प्लेयर का नाम नहीं जानते होंगे, गोल्फ का एक भी प्लेयर का नाम नहीं जानते होंगे, शतरंज का 1, 2, 4, 10 प्लेयर का नाम जानते होंगे, जूडो का तो एक भी प्लेयर का नहीं जानते होंगे, है ना। आंसर इसका क्या है, जूडो, क्या होगा, जूडो। तो 46 का बी है, है ना। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है, प्रोलॉग, हाँ, तो प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा, क्या आप बता सकते हैं, प्रोलॉग, प्रोलॉग बता सकते हैं आप लोग, बताइएगा। तो ये पांचवी पीढ़ी का, जिसको हिंदी में पंचम बोला है ना, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो भाषा है वो क्या है, प्रोलॉग, है ना। अब ऊपर चलते हैं बालक, है ना, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है, कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ। तो कृषि वाला जो होगा बाबू, है ना, रोम रोम में मेरे कृषि बसा हुआ है, रोम रोम में मेरा कृषि क्या हुआ है, बसा हुआ है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तो आंसर क्या होगा, रोम। नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से, नक्टा, नक्टा, तो नक्टा के बारे में बताएंगे आप लोग, तो ये नक्टा लोक नृत्य महाराष्ट्र से है, है ना। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सितार से है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, अल्ट्रा मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, प्रिंसिपल उस पर काम करता है ना, ठीक है। प्रकाश के वन विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है, परास या तरंग दैर्ध्य दोनों वर्ड बोल सकते हैं, वेवलेंथ इसको बोल सकते हैं, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा ना। प्रकाश के वन विक्षेपण, है ना, में लाल रंग का परास या तरंग दैर्ध्य कितना हो सकता है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, तो बता सकते हैं आप इसको, तो ये आंसर होगा 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम, 6200 एंगस्ट्रम से कितना, 7800 का गैप है, है ना, दोनों के बीच में, याद करेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, 52 हो गया। अब हम लोग को 53 की बारी, किसकी बारी है, 53 की बारी है। देखेंगे ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है,
तो ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित करेंगे, क्या आप बता पाएंगे? तो कंपन के आयाम, आयाम की कंपन है ना, देखो कितना खराब दिया है, क्या अनुपात, कंपन की आवृत्ति, आयाम और कंपन की आवृत्ति के गुणनफल। तो ये होगा कंपन के आयाम के द्वारा, है ना, हम लोग डिसाइड करते हैं या कोई भी डिसाइड करता है ना, कि आपका प्रबलता क्या है। तो कंपन के क्या, आयाम, ये आंसर होगा ना। अगर बात करें तो जल के विद्युत अपघटन के समय, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है, निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो देखिए जी, ये सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ही बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन ही बनता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 55 की, है ना, किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 55 की। तो हम लोग इधर आ जाएंगे और 55 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ देखिए, 55 जो है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? चार विकल्प है, है ना, यह लाल रंग को परिवर्तित करता है, लाल रंग को गुजरने देता है, लाल रंग बिखेरता है, या लाल रंग को सोख लेता है। सब लाल लाल है, बताइए कौन सा होगा? तो यह लाल रंग को जो रिफ्लेक्शन करेगा वही दिखेगा, है ना, तो लाल रंग को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है, जब आरोपित तो बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, बल एवं विस्थापन की दिशा में परस्पर लंबवत हो, बी और सी दोनों। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा, है ना। तो विस्थापन जब शून्य हो जाएगा तब भी कार्य शून्य हो जाएगा, और बल स्थापन की जो दिशाएं हैं लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री हो जाए, तो वहाँ पे कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाता है, एफ एस कॉस 90 डिग्री, है ना, तो इस तरीके से जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों, बी और सी दोनों सही है जी, है ना। 57 नंबर, प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में भाई, तो समांतर श्रेणी में पता है 1/R1 + 1/R2, है ना। जब LCM लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा, है ना, और उसको रिवर्स करेंगे तो R1 R2 / R1 + R2 हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस उनेस होने का कोई चांस नहीं है, R1 + R2 ये सीरीज में होता है, है ना, मतलब सीरीज में होता है, समानांतर में नहीं होता, श्रेणी क्रम में ये होता है आंसर, ये समांतर में होता है, ठीक है। 58 नंबर चलते हैं बालक, और चलते हैं 58 नंबर के लिए, इसको कट करना पड़ेगा, है ना, और जल्दी ही होने वाला है, आप धैर्य से सुने, है ना, आपको अलग जो सेट करवा रहा है जल्दी ये होगा वो होगा, उससे तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होगा, है ना, ठीक। अगर आपको और भी मतलब ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा, है ना, तो बिल्कुल हम अभी फ्री है, तो मुसल्लापुर में आंदोलन चल रहा है, तो मेरा कोचिंग वोचिंग बंद है बालक, अब बिल्कुल करवाते रहेंगे, लेकिन डिमांड होगा तब। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग धारे होते हैं, लंबे तरंग धारे किसका होता है, रेडियो तरंग, अवरक तरंग, गामा तरंग, परावैगनिक तरंग। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना, तो रेडियो तरंग जो है, जो सबसे लंबा तरंग धैर्य होता है, क्या होता है, रेडियो तरंग। इसका एक फॉर्मूला भी होता है बालक, लेकिन हम उतना लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा बहुत अच्छा ही है मेरा, तो उतना लंबा नहीं सेट हमको करवाना। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, इस्पात, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। देखिए चार विकल्प है, बहुत साधारण है, है ना, इसको बनाएंगे तो इस्पात, इस्पात में चीज़ें बहुत सारी मिली होती है, जल में मिश्रण नहीं है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, है ना, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन, जो अयस्क याद करते थे, अल्मोनियम का बॉक्साइड, लोहा का हेमेटाइट, अब आ गया कार्नेलाइट, हो गया मुँह चोखा, तो ये होगा पोटेशियम, ये क्या होगा आंसर, पोटेशियम। हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है हीलियम के नाभिक में, बताएंगे तो हीलियम के नाभिक में एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं कुछ न्यूट्रॉन, एक जो भी एक न्यूट्रॉन था, है ना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होगा हीलियम में, है ना, तो बिल्कुल बैलेंस होता है हीलियम का। अब चलते हैं बालक, जल्दी हम लोग को होने वाला है। करें क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान के कारण, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आगमन से, ये थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, डिस्कलर दिख रहा होगा, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं, पदार्थों की संरचना में रंगीन पदार्थों की प्रभावी में, है ना, रंगीन रसायन के। तो ये चार विकल्प जो दिया गया बड़ा खतरनाक दिया गया, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा रंगीन रसायन के मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में, है ना,
क्रोमैटिक मतलब रंगीन ही होता ही एक तरीके से, है ना, मिश्रण होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रंगीन रसायन के मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का क्या होता है, यूज होता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। मणिक और नीलम रासायनिक रूप में होते हैं, कौन सा देख लीजिए जल्दी जल्दी में, है ना, मणिक और नीलम, मणिक और नीलम। तो ये आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत बताएं, प्रतिशत कहीं नहीं छोड़ेगा, इसलिए कहते हैं मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जर्मन सिल्वर में कोई चांदी उंदी नहीं होता है, नाम का सिर्फ सिल्वर है, चांदी नहीं होता है, 0%, है ना, नाम रहेगा कुछ भी, या धोखा देने के लिए देखो कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर उल्वर नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं बालक और इसको कट करते हैं, और अब जल्दी ही हम लोग लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, कार्बन, एल्कोहल, बर्फ, लोहा, विशिष्ट ऊष्मा, क्या बता पाएंगे विशिष्ट ऊष्मा। तो एल्कोहल जो बिहार में बैन है उसी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है बालक, समझ पा रहे हैं आप, अल्कोहल जो बिहार में बैन है सबसे अधिक, है ना, निम्नलिखित में से। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन के बारे में बताएं आप, है ना, जल्दी जल्दी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती नहीं, उपयुक्त में से एक भी एक से अधिक, सब तो एक ही जैसा लग रहा था जी, तो एक से अधिक होगा हमको लग रहा है, कोई भी दो होना चाहिए इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, विद्युत, तो दो इसमें से कोई सही होगा बालक, है ना, अब ठीक, तो क्या हो जाएगा 66 का डी। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस, एक होता है मस्टर्ड तेल, सरसों का तेल नहीं, ये मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत में निर्गंधीकरण के रूप में, मतलब गंध को हटाने के रूप में, क्या बता पाएंगे देख लीजिए। तो ये हुआ रासायनिक युद्ध में, है ना, केमिकल युद्ध में, ठीक है, केमिकल वार में, ठीक। 68, निम्न में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, ना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटाफ्लिन, पोटेशियम क्लोरेट, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है, है ना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, पेन ले लेते हैं, है ना, क्या होगा आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, है ना, ऊपर वाला ए ऑप्शन था, है ना, जो अभी मिट गया है, कोई बात नहीं, ठीक। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, देखो ये बचपने से पढ़ते आ रहे हो, सबसे पुराना जीव कौन सा है, नील हरित शैवाल, ईश्वन अमीबा पैरामीशियम, ईश्वन के बारे में मत सोचना जी, क्या है, नील हरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, गर्म रुधिर, है ना, मतलब हॉट ब्लड की बात किया जा रहा है, उसके शरीर के तापक्रम को, है ना, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, इतना इतना रखते हैं, वातावरण से ऊंचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ये है, देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं गर्म रुधिर वाले, है ना, तो 70 तक पहुँच गए हैं, अब हम लोग का ख़त्म होने वाला है ना, और उसके बाद मैथ है, तो मैथ को भी हम लोग लेंगे, जैसे आप लोगों का कमेंट वगैरह आएगा, तो हम तो मैथ्स का ही टीचर हैं मेन रूप से, ये तो आपके लिए करवा रहे हैं, तो उसका एक अलग से 20-25 मिनट का उसका चलाएंगे, है ना, अभी फिलहाल में इसको देखते हैं, है ना। तो मैथ तो अपना घर की खेती है बाबू, मैथ का क्या है, अब 71 नंबर की बात करते हैं, है ना, कि मिलान करें सही कूट को सुंदरी, अमरवेल, सिंघाड़ा, प्याज, है ना, स्वांगी, कारक, मूल, तो 71 का आंसर कौन सा, तो 71 का बाबू अगर बात करें पीछे से, तो 71 का आंसर होगा बी होगा, क्या होगा 71 का आंसर, बी होगा, तो 71 का आंसर क्या है, बी होगा, आप मिलान कर लीजिएगा, 71 क्या होगा, बी होगा।
शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो आप बताएंगे, तो ये है कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन करना, है ना, कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन करना है ना, रिप्लेसमेंट करना, ठीक। अब 73 पहुंच गए हैं बालक, है ना, तो 73 में देख लेते हैं, तो ये लास्ट ही था, है ना, 73 की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग का मैथ आ जाएगा, तो मैथ को मैं अगले सेशन में लूँगा, क्योंकि वो अपना सेपरेट सेशन है, उसमें अलग तरीके से बातें होगी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर का पाचन, पाचन पढ़े हो ना, तो छोटी आंत में होता है, किस में होता है? छोटी आंत में, किस में होता है बाबू? छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पाचन होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में बताएंगे, इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? प्रेजेंट की बात बोला जा रहा है ना, प्रेजेंट की बात बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा जस्ता, क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा, जिंक मतलब जस्ता, जेडन क्या होगा? जेडन, जस्ता। 75 हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा अंग प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या बता सकते हैं? हेपेटाइटिस तो बचपन में ही टीका लगता है सब लोग को, ये भी नहीं बता पाओगे, तो ये हो जाएगा यकृत, है ना, क्या हो जाएगा? यकृत। अब 76 नंबर मेरे घर का खेती आ गया, जिसको 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो 76 नंबर से अगर आपको लगे, है ना, कि सर ये भी डिस्कस करवाया ये, है ना, तो इसको मैं एक सेपरेट यहीं से 76 से स्टार्ट करूँगा, तब तक ये मेरे जीवन में पहली बार सेट डिस्कशन जीएस का था, है ना, ऑन फैक्ट। तो कैसा लगा आप जरूर, है ना, कमेंट कर सकते हैं, और डिमांड होने पे और भी करवा देंगे, है ना, 25 तारीख तक हम साथ साथ। जय हिंद, जय भारत।